वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। हमारे पास दो 10 में दो फिगर है हमारे पास त्रिभुज की, त्रिभुज ABC और EFG। त्रिभुज ABC EFG ये हमारे पास दो त्रिभुज है। इसके कोण ACB, ACB का मतलब है जो सी पर जो कोण बना हुआ है उसका समद्विभाजक CD है, अर्थात ये सी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है CD। उसके बाद कोण EGF अर्थात जी पर ये जो कोण बन रहा है इसको दो समान भागों में GH बांट रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। और तथा त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EFG के। हमें फर्स्ट पार्ट में तो जो ये है क्वेश्चन में दिया है, मैं लिख देंगे हम क्वेश्चन में दिया है। और अब इसके फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना है CD अपॉन GH का अनुपात बराबर होना चाहिए AC अपॉन FG के। तो प्रमाण में हम स्टार्ट करते हैं, हम चेक करते हैं CD और GH ये हैं, इनका अनुपात AC इस भुजा का और FG इस भुजा का, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर दें तो ये हमारे पास आ सकता है बराबर। तो हम दोनों त्रिभुज लेंगे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ACD व त्रिभुज FGH में। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो कोण A है ये F के बराबर है, क्यों? क्योंकि त्रिभुज ये बड़े आपस में समरूप हैं। तो हम लिखेंगे कोण, इसका कंप्लीट नेम DAC लिख सकते हैं, DAC बराबर कोण HFG, इस कोण का नाम एक हो सकता है HFG। और रीजन क्या देंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, ये समरूप है हमारे पास, तो एक कोण बराबर हो गया। उसके बाद इसी प्रकार ये कंप्लीट सी कोण जी के बराबर है, तो कंप्लीट सी कोण जी के बराबर है, ये किस नियम से है, इसी दोनों त्रिभुज ये हमारे पास समरूप है। अब इसको दोनों तरफ हम दो से भाग कर सकते हैं। अब क्योंकि CD इसका समद्विभाजक है और GH इसका समद्विभाजक है, तो ये पार्ट और ये पार्ट जो है बराबर होंगे। तो कोण इसका आधा भाग हम ACD लिख सकते हैं, ACD बराबर कोण इसका आधा भाग FGH लिख सकते हैं, FGH। और यहां पर लिखें क्योंकि CD व GH क्रम से कोण ACB व कोण EGF के समद्विभाजक हैं। अब इस कोण के समद्विभाजक हैं तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कोण यहाँ बराबर हो गया, एक कोण यहाँ बराबर हो गया, तो हम त्रिभुज को, इसलिए त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज FGH लिख सकते हैं। किस समरूपता से, कोण कोण समरूपता, दो कोण हमारे पास बराबर हो गए। अब दोनों कोणों से समरूप हो गए हैं इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसकी भुजा AC FG के बराबर, AC अपॉन FG का अनुपात बराबर दूसरी भुजा CD, दूसरी भुजा GH का अनुपात किसके बराबर, तीसरी भुजा AD अपॉन तीसरी भुजा FH, इनका अनुपात बराबर लिख सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं AC अपॉन FG, CD अपॉन GH, ये दोनों हम बराबर कर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं को हम अनुपात बराबर लिख सकते हैं, हमने इनको समरूप सिद्ध कर दिया दोनों त्रिभुज को। अब इसमें से दो अनुपात हम अलग से ले सकते हैं, तो ये हमारे पास पहला भाग सेम टू सेम सिद्ध होता है, सेम टू सेम था तो हम लिख सकते हैं अतः सिद्ध होता है, पहला भाग हमारे पास सिद्ध हो गया है। अब दूसरे भाग में हमें क्या दिया, क्या सिद्ध करना है, दूसरे भाग में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। अब प्रमाण में हम स्टार्ट करेंगे, तो त्रिभुज DCB अर्थात ये त्रिभुज और इसको समरूप करना है HGE, इस त्रिभुज के समरूप के।
तो हम ध्यान देंगे इसमें भी ये बी कोण ई के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज दोनों की तुलना करेंगे, त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में कोण बी बराबर कोण ई, ये किस प्रकार से बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज बड़े त्रिभुज समरूप हैं, तो बड़े त्रिभुज के ये संगत कोण है, तो यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज बड़े त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, तो एक कोण हमारे पास बराबर आ गया इस त्रिभुज का। उसके बाद दूसरा ये जो कोण है सी और जी, हम इसी प्रकार सी बराबर कोण जी लिख सकते हैं, रीजन यही आएगा त्रिभुज। अब इसको दो दो से भाग करेंगे, दो से भाग करने के बाद इसका आधा पार्ट हम क्या लिख सकते हैं, अब ये पार्ट ले लेंगे हम डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर कोण इसका आधा पार्ट, इसका आधा पार्ट तो हम ये लिख सकते हैं, इसका आधा पार्ट इस तरफ ये लेंगे, क्योंकि ये जो है जी एच इसको बराबर भागों में बांटता है, सी डी इसको दो बराबर भागों में, तो ये पार्ट इसके बराबर होगा, तो एच जी ई, तो कोण एच जी ई, तो हमारे पास यहाँ पर जो है दो कोण बराबर आ चुके हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, और किस नियम से किया हमने, कोण कोण समरूपता, दो कोण हमारे पास बराबर आ चुके हैं, इससे हमने सिद्ध कर दिया। अब तीसरा भाग इसका और दिया हुआ है हमारे पास, इसमें हमने क्या सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। अब ध्यान देंगे प्रमाण में हम हल करेंगे इसको, ये हम हल कर चुके हैं, कहाँ हल कर चुके हैं, देखिए त्रिभुज डी सी ए डी सी ए ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज एच जी एफ ये त्रिभुज, तो हम यहाँ ध्यान देंगे हमने फर्स्ट पार्ट हल किया, तो ए सी ए सी डी का मतलब है डी सी ए, ये हम हल कर चुके हैं यहाँ पर इसी रीजन से, तो ये त्रिभुज ए सी डी और एफ जी एच एच जी एफ डी सी ए, तो हम इसमें यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ भाग एक में सिद्ध किया, हम भाग एक में इसको सिद्ध कर चुके हैं, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, भाग एक में हमने इसको सिद्ध कर दिया दो कोण से। तो आशा है यू थ्री स्केल लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी कोई क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट, थैंक यू।